उत्तर पूर्वी दिल्ली में माहौल किसका है? माहौल एनडीए का है, कन्हैया कुमार जी का। कन्हैया कुमार 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जनता जितनी भी है वो अब की कन्हैया कुमार को बहुत पूर्ण बहुमत से, भारी मतों से जीता। मनोज तिवारी का यहाँ से खाता बंद होने वाला है। कन्हैया कुमार जीते, कन्हैया कुमार का पूरा माहौल है। कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार आ रहे हैं, पूरी बहुमत से आ रहे हैं। कन्हैया कुमार जिंदाबाद। तिवारी की ऐसी की तैसी है ना, तो बगल से बाहर भी निकल के आए, बाहर भी नहीं आए, जिंदाबाद। बाहर भी नहीं आई, मैं तो छज्जे से यूपी देखने की बीजेपी का चाक खोल रहे हैं। सांसद कन्हैया जी बनने वाले, हमें नहीं पता मनोज तिवारी जाने वाला है। मनोज तिवारी जी आए नहीं, किसी ने देखा ही नहीं मनोज तिवारी जी को, और सभी इकट्ठे होकर वोट देंगे और कन्हैया कुमार जी को जिताएंगे। मनोज जी को अपने धंधे में कहना, अपना गाना आने बहुत मॉल कांग्रेस का है। आप शक्ल देखिए मनोज तिवारी की, हमने तो कभी देखा ही नहीं। केजरीवाल 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 उधर मोदी मोदी कर रहे हैं। वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ आदमी है। इंडिया अलायंस 4 जून को सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पे जब से छूटे हैं तब से वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी सरकार पर हमलावर है। भजनपुरा की मेन मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें, चारों तरफ का कैमरामैन जरा एक बार माहौल दिखा दीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देरी में यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन खास तौर पर पूरे देश दुनिया में तो लड़ ही रहा है गठबंधन एक साथ, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। 10 विधानसभा की सीटों पर माहौल क्या है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में माहौल किसका है? माहौल एनडीए का है, कन्हैया कुमार जी का। कन्हैया कुमार 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 3.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मनोज तिवारी के बारे में क्या कहेंगे? मनोज तिवारी जी आए नहीं, किसी ने देखा ही नहीं है मनोज तिवारी जी को। मनोज तिवारी जी यहाँ आए नहीं है, यहाँ के 10 साल से कोई काम कराओ बता दो, कोई किससे पूछ लो आप, अगर किसी मनोज तिवारी ने यहाँ पे कोई काम करो तो बताए ना भाई। अगर मनोज तिवारी यहाँ आ रहा है आते तो आज ये हाल थोड़ी होता। आज हर आदमी उसको भगा रहा है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम। मनोज तिवारी को भगा रहे हैं और क्या? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हमारे यहीं सुभाष विहार में मकान है हमारा। तो कैसे भगा रहे हैं, ये खबर तो आप मुझे एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि मनोज तिवारी को भगाया जा रहा है? कि वो कह रहे तुम आते नहीं हो, उनके कार्यकर्ता खुद भगा रहे हैं, उनके वो उसके जो कार्यकर्ता वो खुद कह रहे हैं भाई आप आते नहीं हो, हम किससे वोट मांगने जाएं? किस वजह से वोट मांगे, क्या कह के वोट मांगे? आप आते नहीं हो, कोई काम नहीं करवाते, बताओ क्या करवाया? बताइए, केजरीवाल और कन्हैया कुमार दोनों ही कुछ ही देर में आने वाले, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, आज दोनों एक साथ आ रहे हैं पार्टी। अच्छे लोग जो नहीं जुड़ रहे थे वो भी जुड़ जाएंगे। हाँ। जो नहीं जुड़ रहे थे और कार्यकर्ता को ये गलत फहमी थी जिनको नहीं पता था, अब सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सभी इकट्ठे होकर वोट देंगे और कन्हैया कुमार जी को जिताएंगे। कन्हैया कुमार में अभी पुस्ता रोड पर हमला हुआ था, हमले के बारे में क्या कहेंगे? ये सारी बीजेपी की साजिश है, ये जानबूझ के कराया गया है, ये सारी की सारी बीजेपी की साजिश है। उन्होंने जानबूझ के कराया, उनका कार्यकर्ता है वो, आप वीडियो देखो उनके। लेकिन वो कार्यकर्ता कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे भारत। किसी ने कहा ही नहीं है ये वर्ड, तो कहा ही नहीं जो आप कह रहे हो, जो वर्ड आप यूज कर रहे हो किसी ने कहा ही नहीं है। कोई वीडियो दिखा दो उसकी, ये अपने आप ही कह रहे हैं जो भी वर्ड बोल रहे हो। कन्हैया कुमार पे तो ये आरोप लगातार लगाया गया। आरोप तो दुनिया पे, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, ये आरोप तो किसी भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई है इसका, कोई वीडियो दिखा दो टुकड़े टुकड़े वाला जो आप बोल रहे हो, ये सब बेकार है, इनकी चाल है। इन्होंने जानबूझ के उन पर हमला करा गया है और ये हार रहे हैं, हताश हो रहे हैं, इसलिए हमला करवा रहे हैं। बताइए क्या सोच रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता इस बार? जनता अब की बार फुल उसमें है कि अब की बार जो है ना एनडीए को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, कन्हैया कुमार जी को जिताना है यहाँ से। और जो उनमें सांसद बनने की खूबियां है, खूबियां है, जो पढ़े लिखे है, जो MSc BSc करके बच्चे पढ़े आए हैं तो उनकी खूबियां है। मनोज तिवारी जी में कौन सी खूबियां है? एजुकेशन उनसे ज्यादा है उनकी, उनसे एजुकेशन ज्यादा है उनकी, पढ़े लिखे ज्यादा है वो। गाना कौन अच्छा गाता है? गाना थोड़ी है, गाने गाने से थोड़ी होता है, गाने गाने वाले थोड़ी बनते हैं नेता, गाना का स्टेज पर नचवाना थोड़ी है किसी को। उनका वो काम बढ़िया है, उनका वो काम बढ़िया है, उनको वैसे काम में रहना चाहिए। तिवारी जी को हाँ, जो कोई जो जिस काम में जिसको महारत हो ना, आज वो उसी लाइन में चलना चाहिए। वो इस लाइन के बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनको इसी लाइन में रहना चाहिए, उनको काफी तरक्की मिलेगी। तो हमारा तो विचार यही है, सलाह भी यही है
कि मनोज जी को अपने उसी धंधे में कहना है अपना गाना नाने दो, बहुत लगा। 7 सीटें हैं, बताइए दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7ों पे किसका माहौल देख रहे हैं आप? दिल्ली में 7ों सीटें इंडिया मंदिर की आ रही है, 7ों सीटें जीत रहे हैं, बहुत मतलब बदलाव बहुत आ रहा है। ये चुनाव जनता के बीच है, कोई पार्टी चुनाव नहीं रही है, ये जनता बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ है और वो जनता ही चुनाव लड़ रही है। गठबंधन पे कितना भरोसा है आप बताइए? गठबंधन तो आप लोग देख रहे हैं, इससे बढ़िया गठबंधन आज तक हुआ ही नहीं हिस्ट्री के अंदर। बढ़िया गठबंधन, बहुत 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 बढ़िया, बहुत विश्वासी सब कार्यकर्ता लगे हुए। आज इनका आने का उद्देश्य यही है कि जो आम जनता है उनको भी उनको कंफ्यूज ना रह जाए, इसीलिए दोनों आए हुए हैं। आप बताइए आपके वर्ग के जो तमाम लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका मुद्दा क्या है? नहीं, वो तो कांग्रेस के साथ, उनका मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत है, पेंशन मतलब की इन्होंने, वो गलती से रेलवे कंसेशन वो खत्म कर रखी है, बुजुर्गों की पेंशन 60 साल की पेंशन बंद कर रखी है, कोई काम नहीं हो रहा बुजुर्गों के लिए, तो कुछ है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत मिलना था कांग्रेस टाइम में बहुत मिला है, कंसेशन मिलती थी 50% रेलवे के अंदर, वो खत्म कर रखी है, बुजुर्गों के लिए तो ये समझते ही नहीं। बुजुर्ग क्या तो किसी ना नौजवानों के लिए है, ना ये महिलाओं के लिए है, ना बुजुर्गों के लिए है, ये सिर्फ सरमाएदारों के लिए है, सरमाएदारों की पार्टी है। अंबानी अडानी को सही कहते हैं राहुल जी, सिर्फ जो हो गया आदमी पार्टी है, सारा देश लूट के उनको दे दिया है, हर चीज़ बेच दी है, नौकरी खत्म कर दी है, तो ये खत्म कर दिए, नौकरियाँ खत्म कर दिए, रोजगार खत्म कर दिए। क्या कहना चाहेंगे सीएम केजरीवाल को, जो अंतरिम जमानत मिली है उसका दिल्ली के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? देखो केजरीवाल जी का, ये हमारे संविधान की व्यवस्था है कि कोई भी ईडी या कोई भी प्रशासन अगर किसी को बंद करता है तो साबित उसको करना पड़ता है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं। उसी प्रक्रिया के अंदर ईडी आज तक अभी तक साबित नहीं कर पाया है जिसके अंतर्गत उसको बंद किया था। अगर संविधान ने, कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी है कि आप लोकतंत्र के पर पर, लोकतंत्र के पर पे जाकर आप पब्लिक के बीच में अपना बहुमत लेकर आए और बहुमत लेकर आए, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा किया है। अच्छा आपका मुद्दा क्या है, अपना मुद्दा बताइए। हमारा मुद्दा देश का विकास है और देश के अंदर शांति है, कि देश के हमारे क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए और आपस में भाईचारा और प्रेम होना चाहिए और एक आर्थिक स्थिति में हम लोग संपन्न होने चाहिए। बताइए तिवारी जी 10 सालों से सांसद है, कितनी बार दिखे? एक बारी भी नहीं दिखे, एरिया में कुछ भी काम नहीं करा तिवारी जी, एक भी काम बता दें हमें, एक भी काम कराया। मेट्रो गिनवा रहे हैं? मेट्रो उन्होंने थोड़ी चलाई, तो पहले से प्रोग्राम दिया हुआ, शीला मेट्रो तो शीला के जमाने में ही चल गई थी। लेकिन क्रेडिट तो तिवारी जी ले रहे हैं? तिवारी तो जन क्या क्या ले रहे हैं, ये सिग्नेचर बिरजवी शीला की देन थी, कह रहे हमने बनवाया, हमने बनवाया, ये कुछ नहीं करा उन्होंने, ये बीजेपी वाले कोई झांकते भी नहीं है, हम तो वोट मांग रहे हैं बस, मोदी को जैसे हमने वोट दो बस। मुद्दा क्या है आप लोगों का? हमारा है कि जनता क्या सोच रही है, महंगाई ये हताशा दिखाती है कि हमारे ये जीत, ये कन्हैया कुमारी जीत रहे हैं, ये हताशा है जो नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाए, ये कहते भी तो ये हताशा है ना, ये अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सोच अनपढ़ वाली है ना। बताइए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की रैली है लेकिन मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग तो आते ही है हंगामा करने के लिए, हंगामा करने के लिए आते हैं ना, गुंडे जैसे थप्पड़ मारने की साजिश की, गुंडे गुंडे तो आए नहीं ना, ये आतंकी है, कोई पत्थर मार देता है, कोई चाय फेंक देता है, क्या कर देंगे? ये मनोज तिवारी ने भेजे हुए हैं, चोर है, गुंडे हैं, देखो वो ड्रामेबाजी करते हैं, सोचते हैं जोन आ रहा है, अगर हम भी वहाँ जाके करें तो हमारी और इनमें वो ही क्या रहेगा अंतर? आतंक की सरकार है, आतंक की, इससे ये पता चलता है कि ये हार रहे हैं। हाँ गठबंधन की इनको टेंशन हुई पड़ी है, बीच में आके बस मोदी मोदी करने लग गए हैं, 10 साल में कुछ मिला तो है नहीं, फ्री का खा भी नहीं है, चाहिए भी इनको फ्री का, लेकिन सरकार को वो भी नहीं देनी वोट, बस मोदी मोदी करवा लो इन लोगों से। बताइए 5 चरण के मतदान हो गए, 6ठा दिल्ली में होना है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं, हमें तो गठबंधन की सरकार, हम तो वोट देने वाले हैं और देखो क्या होता है यहाँ पे, तो वोट। महिलाएं क्या सोच रही है इस बार, मुद्दा क्या है आप लोगों को? मुद्दा जो हमें राहुल गांधी ने बताया है, देखो महिलाओं के लिए गरीब औरतें यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, आप देखो ना इंडिया में कितनी गरीबी है, ठीक है, कितनी ज्यादा गरीबी है। उन्होंने बोला है 8,500 हर महीने आएंगे, उन्होंने तो 5 लाख का बोला था, 5 लाख में से कुछ भी नहीं आया, ठीक है, जुमला जिसे कहते हैं जुमला, अब तक तो कुछ आया नहीं है ना, लेकिन उन्होंने वादा किया है, देखो हम तो चेंज करना चाहते हैं सरकार, हो सकता है कुछ हो, उम्मीद तो करेंगी सरकार को चेंज करके। अच्छा कन्हैया कुमार पे हमला हुआ, युवा क्या सोचते हैं इस बारे में? इंक पोती गई उनके चेहरे पर, देखो जो भी किया, काले वाले नहीं पोते गए, पोती नहीं गई, कोशिश की गई और उसको
आपने देखा होगा कन्हैया कुमार के आपका मनोज तिवारी के साथ बैठे हुए थे, मोदी जी जब आए थे उनके साथ में वो बैठा हुआ था, जिसने ठीक है जिसने थप्पड़ मारने की कोशिश की थी वो साथ में बैठा हुआ था अगले दिन नेक्स्ट डे। उसके बाद तुम दिखावे के लिए उसको अंदर कर रहे हो, ठीक है उसको बाहर निकाल रहे हो, या तो आतंकी ना सोचने वाली बात है इसमें। बताइए तिवारी जी के बारे में क्या कहेंगे, कितनी बार वो उनके लिए क्या ही बोले, ठीक है खुद शराब के गाने गाते हैं और बोलते हैं शराब के घोटाले में अंदर कर रहे हैं केजरीवाल जी को, खुद शराब का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो तो रिंकिया के पापा है ना, और रिंकिया के पापा कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेन मार्केट में ये सब चल रहा है, यानी कि रैलियां जनसभाएं चल रही है, बताइए माहौल किसका देख रहे हैं उत्तर पूर्व में? माहौल कांग्रेस का है। गठबंधन का है? हाँ इंडियन गठबंधन। अच्छा गठबंधन का क्यों है? महंगाई बेरोजगारी और ये चोर लपाड़ी और क्या मारपीट उल्टे सीधे धंधे यही है और कुछ नहीं। मनोज तिवारी यहाँ की सांसद है 10 साल, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ना, अब आए वो एक बार में। हाँ, तो वोट मांगने आ रहे हैं? हाँ वोट। आप शक्ल देखिए मनोज तिवारी की, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको, कभी देखी हमने तो। बार वो कॉलोनी में यहाँ पर आए हैं तब देखा। तो क्या कह रहे हैं अब, जब क्योंकि 10 सालों में चेहरा नहीं चाहूंगी, केजरीवाल जी को आना चाहिए, केजरीवाल वो केजरीवाल आएगी और क्या नाम है शिक्षा में हर चीज में हमारे हर चीज का बहुत अच्छा रहेगा, केजरीवाल आनी चाहिए इस बार। महिलाओं की समस्याएं क्या है? महिलाओं की समस्या उन्होंने बहुत सॉल्व करी है, जैसे क्या नाम है बस का है और क्या नाम है और भी चीजें हैं, जैसे अब पैसों का भी कह रहे हैं कि महीने कितने आएंगे और राशन वगैरह में भी हर चीज में बहुत सहूलत है, केजरीवाल आनी चाहिए। 10 सालों में मनोज तिवारी एक भी बात नहीं, 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 नहीं। कॉलोनी में आया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं क्या था, कुछ है भी नहीं ज्यादा, सबसे सही अपने केजरीवाल तो नहीं है बीजेपी से, आम आदमी पार्टी सबसे बढ़िया आम आदमी। आप वोट मांगने आ रहे हैं तिवारी जी, तो क्या कह रही हैं आप लोग? नहीं जी हम नहीं देंगे उनको वोट, आप बोल रहे हैं बोल साहब, डरते नहीं हम किसी से, हम नहीं देंगे, लोकतंत्र डरेंगे क्यों, अमन होगा वहाँ थप्पा मारेंगे। क्या सोच रही हैं महिलाएं इस बार? महिलाएं सब कुछ सोच रही हैं, जैसा वो करते हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो महिला वही सोच रही है। केजरीवाल से खुश है? बिल्कुल खुश है जी, थोड़ी देर में केजरीवाल आने वाले, हम तो नारा देंगे वो केजरीवाल 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 केजरीवाल, उधर मोदी मोदी कर रहे हैं, वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ आदमी है, वो बेवकूफ आदमी है, लड़ाई करवाने के लिए। अच्छा महंगाई से परेशान है महिलाएं या नहीं? हाँ बिल्कुल परेशान है जी, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ये जो है भाजपा के भेजे गए गुंडे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं इस महासभा को जो है ये खंडित और भंडित करने का काम करने के लिए ये जो गुंडे भेजे गए हैं, इनसे डरने वाली नहीं है। और दिल्ली की देवतुल्य जनता जो है अब की इंडिया अलायंस 4 जून को सरकार बनाने वाली है, और यहाँ दिल्ली की तुजल जनता जितनी भी है वो अब की कन्हैया कुमार को बहुत पूर्ण बहुमत से भारी मतों से जिताने। तिवारी जी का क्या हाल होने वाला है? मनोज तिवारी का यहाँ से खाता बंद होने वाला है और वो फिर से जाके भोजपुरी में गाना बजाना करेंगे, और भाजपा के लोगों ने मनोज तिवारी को सिर्फ नाचने गाने के लिए ही रखा है, जनता की सेवा करने के लिए कन्हैया कुमार ही काफी है। लेकिन तिवारी जी तो कह रहे हैं मैं बिहारी हूँ, आप लोगों का सदस्य हूँ, परिवार बता रहे हैं। देखिए वो सदस्य बता रहे हैं क्योंकि उनको अभी सरकार में बैठना है, इसलिए वो अपने आप को सदस्य बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे केजरीवाल ने इतना काम किया है कि दिल्ली की पूरी तूतल जनता जितनी भी है वो सब अब की इंडिया अलायंस 4 जून को सरकार बनाने जा रही है और उनको भारी मतों से कन्हैया कुमार को जिताएगी। अच्छा कन्हैया पे हमला हुआ है उसका जवाब जनता कैसे देगी? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कहते हैं कि सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, इंतजार करें इंडिया अलायंस की सरकार जैसे ही बनेगी सबको जवाब दिया जाएगा। कह रहे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये देखिए युवा है माहौल जो बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? जो गुंडे हैं, गुंडे हैं जी, माहौल बिगड़ेगा यहाँ का? नहीं बिगड़ सकता, यहाँ की जनता मजबूत है तो नहीं बिगड़ेगा। केजरीवाल अभी आएंगे उन्हें क्या कहना चाहती हैं? उन्हें तो हम कहेंगे तुम्हें जिताएंगे और तुमको ही लाएंगे गद्दी पर। जेल जाने से और ताकतवर हो गया, और ताकतवर
इस बार आया ना शेर वन का आया केजरीवाल, इस बार आया थाने से, अच्छा हुआ कि थाने पे डाल दिया था, पहले हमारा केजरीवाल बहुत बहुत बड़ा हो गया, सीना बहुत चौड़ा हो गया, आप तो कोई लड़ पे नहीं पाएंगे, वोट सिर्फ केजरीवाल के होंगे, वोट केजरीवाल को बस। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसको होगा? केजरीवाल देखना गोदी पे और बड़ा बड़ा वाली गोदी पे अगली अगली साल हम लोग देखेंगे केजरीवाल। कन्हैया कुमार का माहौल है यहाँ पर बस, कन्हैया कुमार जीते, कन्हैया कुमार का पूरा माहौल है, हमारा कन्हैया कुमार पूरा, कन्हैया कुमार आ रहे हैं, पूरी बहुमत से आ रहे हैं, केजरीवाल का तो पता नहीं, कन्हैया कुमार तो आ रहे हैं, कन्हैया कुमार आ रहे हैं, पूरी बहुमत से कन्हैया आ रहे, कन्हैया जी आ रहे हैं, हमें नहीं, हमारे सांसद कन्हैया जी बनने वाले, हमें नहीं पता मनोज तिवारी जाने वाला है, बात खत्म है, जाने वाले हैं तिवारी जी, जाने वाले हैं तिवारी जी, ने आज तक कोई काम नहीं करा, जनता के सामने कभी पेश नहीं हुए, तिवारी जी ने आज तक एक रुपया खर्च नहीं करा मोहल्ले में, 14,000 करोड़ का खर्चा बता रहे हैं तिवारी, कोई खर्चा नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किया, हमें आखिया गधा है वो तो, अरे वो तो गधा है, चोर है, 14,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ की बात कर रहे हो, हमें लगता है 14 रुपए भी खर्च करे होंगे, एक नंबर का झूठा आदमी है, गधा एक नंबर, रिंकिया के पापा है वो, गाने गाते रिंकिया के पापा अपने घर पे होंगे, हमारे लिए थोड़ी गाने गाते रिंकिया के पापा, हमें तो बात तक नहीं करता रिंकिया के पापा, अभी आ जाए चार लोगों के बीच में, हमसे तो बात तक नहीं करता रिंकिया के पापा, हम तो चप्पल और मार देते रिंकिया के पापा के आ जाए तो, और यहाँ से कन्हैया कुमार जीत रहे बाकी हमें नहीं पता, हमारा सांसद कन्हैया कुमार बनेगा बस, हमें और कुछ नहीं पता, सरकार क्या होती है क्या नहीं हमें नहीं लेना, मेरा यहाँ से सांसद कन्हैया कुमार आएगा, इस बार आएगा, मुझे इतना वोट मांगने आने की ऐसी की तैसी, हमें तो कल से बाहर भी निकल के आए, हम तो बाहर भी नहीं आए, बाहर भी नहीं आई, मैं तो छज्जे तो यूं भी नहीं देखने की बीजेपी का जा कौन रहा है, मेरा तो कन्हैया आना तो आना है, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, सरकार का नहीं पता हमें, कन्हैया कुमार सांसद बनेगा तो बनेगा, बात खत्म, आगे का हमें नहीं पता, हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार जीतेगा, आज जोर जोर के वोट मांगेंगे मनोज तिवारी, नहीं मनोज तिवारी को तो हम घुसने नहीं देते, हम घुसने नहीं देते अपनी गली में, 10 गली में बीजेपी वाले हैं, मजाला आमना सामना करवा ले, मेरा तो करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, मेरे सामने बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाए आमना सामना करता ही नहीं है, नहीं करता, नहीं करता, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं, हमारे को तो आज तक दिखाई नहीं मनोज तिवारी है कैसा, हमने तो गौर से भी नहीं देखा, यहाँ पर ये तमाम महिलाएं भी हैं, और देखिए इन्होंने जैसे कहा कि ईद का जवाब पत्थर से दे देंगे, और केजरीवाल का आने दो, वो लोग अब मोदी मोदी करे तब केजरीवाल केजरीवाल कहेंगे, आने दो सिर्फ तब रूप चेंज हो जाएंगे, उन्होंने लोग कहेंगे, देखिए ये कह रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और उसका सीधे तौर पर फायदा होने वाला है, और केजरीवाल को जो जेल भेजा गया है सरकार के द्वारा, इनका कहना है उसका जवाब भी हम लोग, जेल का जवाब वोट से देंगे, इंक का जवाब यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता भी उसका जवाब भी वोट से ही देगी, कन्हैया कुमार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनका माहौल बताया जा रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि तिवारी जी तो दूर दूर तक 10 सालों में दिखाई नहीं दिए, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें, कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।